फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एस पेन। एस पेन स्टैंड फॉर स्विच पोर्ट एनालाइजर। तो बेसिकली जो एस पेन क्या करता है, एस पेन का काम क्या है, एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक पासिंग थ्रू पोर्ट और वी लैन बाय यूजिंग एस पेन टू सेंड ए कॉपी ऑफ ट्रैफिक टू अनदर पोर्ट ऑन द लोकल स्विच और ऑन ए रिमोट स्विच दैट हैज बीन कनेक्टेड टू ए नेटवर्क एनालाइजर और अदर मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी डिवाइस। बेसिकली जो स्विच पोर्ट एनालाइजर होता है, ओके, सो दिस इज ओके। तो बेसिकली एस पेन क्यों यूज कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपका एक स्विच है, ये एक स्विच यहाँ से ए पी सी यहाँ से कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है। ओके, सपोज करो ये आपका क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, कुछ पैकेट सेंड करता है इस सर्वर पे। ओके, या फिर ये क्या करता है, इंटरनेट पे जाता है। आपको चेक करना है, मॉनिटरिंग करना है कि ये इंटरनेट पे क्या क्या ट्रैफिक सेंड करता है। तो उस केस में क्या करते हो आप, एस पेन यूज कर सकते हो, एनालाइजर यूज कर सकते हो कि जो ट्रैफिक है सेंड करेगा आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो, या यदि ये इंटरनेट की तरफ सेंड करता है या फिर अपने किसी ही लोकल सिस्टम को एक्सेस करता है, जैसे कि ये इसने क्या किया, सर्वर को टेलनेट किया, ठीक है, इसका आरडीपी यूज किया, वट एवर कोई भी एक्टिविटी करता है, तो आप उसको क्या करते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, और जो इसके पैकेट कैप्चर होंगे वो किसी आप एक सर्वर पे आप सेंड कर सकते हो कि इस डेस्टिनेशन पे जाएं। और यदि आपके आपके पास कोई मॉनिटरिंग टूल इनेबल है, ठीक है, मॉनिटरिंग देखने के लिए, जैसे आप पैकेट कैप्चरिंग करते हो वायर शार्क है, तो उस पे क्या कर सकते हो आप, उस पे चेक कर सकते हो कि रियल टाइम इन्वायरमेंट में ये पीसी क्या ट्रैफिक सेंड कर रहा है। तो दिस इज अचीव बाय एस पेन। जैसे कि ये एनालाइज और मॉनिटरिंग ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी एंड अदर पर्पस। ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं हम और उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कि क्या कोई मिलीशियस एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म कर रहा है। ओके, कैन बी एनालाइज इंटरफेस और वीलैन और सोर्स एज डेस्टिनेशन इंटरफेस और वीलैन कैन यूज। मीन्स आपके पास क्या है, इस सोर्स ये आपके पास, ये इस पे आप क्या कर सकते हो, यदि यहां पे आपके पास वायर शार्क है तो इस सोर्स का ट्रैफिक आप इस पे सेंड कर सकते हो। ओके, या फिर आपके पास कोई रिमोट है तो आप रिमोट को बता सकते हो कि दिस इज द डेस्टिनेशन। सपोज करो यहां पे आपके पास है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक इसके पास सेंड करना। नेक्स्ट वन इज ए ट्रैफिक कैन बी एनालाइज ऑन वन और बोथ डायरेक्शन। मीन्स आप जो आपके पास वैल्यू आती आर एक्स एंड टी एक्स, रिसीव ट्रैफिक ओनली एंड ट्रांसमिट ट्रैफिक ओनली। ओके, तो आप और आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन यूज द बोथ आइदर आर एक्स एंड टी एक्स वैल्यू। ऑन डायरेक्शन पोर्ट एनालाइजर डिवाइस कैन कनेक्ट आईडीएस होस्ट विद पैकेट स्निफर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, या कोई अदर सॉफ्टवेयर वायर शार्क हो गया, ठीक है, आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड एस पेन टाइप कितने टाइप का आता है, लोकल एस पेन, लोकल स्पैनिंग ट्री, लोकल स्विच पोर्ट एनालाइजर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट ऑन सेम स्विच और स्विच स्टैक। जो सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट होंगी आपकी वो
सेम स्विच, या फिर आपके पास क्या है? एक और स्विच लगाया, बोथ आर इन स्टैकिंग. ओके, इन द स्टैकिंग यू कैन क्रैक मैक्सिमम 9. टैगिंग और इनकैप्सुलेशन नॉट रिक्वायर. नेक्स्ट वन इज रिमोट एस पैन. सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट कैन बी रिमोट स्विच और स्विच ट्रैक. इट यूज ए डेडिकेटेड व्हील एंड फॉर ट्रांसपोर्ट रिमोट एस पैन व्हील एंड सैंड ओवर ट्रंक टैग एडेड. ओके, सो दिस इज योअर रिमोट एस पैन. रिमोट एस पैन में क्या होगा कि ये आपका क्लाइन है और यहाँ पे आपका एक सर्वर है या इंटरनेट और आइदर एनी सर्वर. एनी राउटर. ओके, यहाँ पे कुछ भी आपके पास और ये कनेक्टेड है 0/1 पोर्ट पे. तो ये क्लाइंट क्या करता है, इस सर्वर को हिट करता है, मींस यहाँ पे ट्रैफिक सेंड करता है या इंटरनेट पे ट्रैफिक सेंड करता है या फिर इस राउटर को एक्सेस करता है. तो आप क्या कर सकते हो, इस क्लाइंट को मॉनिटर कर सकते हो, इसकी एक्टिविटी क्या परफॉर्म करता है. तो उस केस में क्या चीज़ है, आपको ये जिस वीलैन में है, सपोज करिए 10 वीलैन में है, दिस इज योर ट्रंक पोर्ट. ओके, दिस इज इन 10. ओके, तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको परफॉर्म करने पड़ेगी. लाइक इट यूज द डेडिकेटेड वीलैन फॉर ट्रांसपोर्ट. 10 वीलैन है तो हमने क्या किया, 10 वीलैन को यूज किया, जो भी ट्रैफिक हो गया इसका दोनों साइड 10 और 10, यहां पे टैगिंग ऐड होगा किस वी लैन के लिए ट्रैफिक है, वी लैन 10 के लिए जाएगा वो और यहाँ पे सर्वर को हिट करेगा. और जिस पे आपको क्या करना है, पैकेट को कैप्चरिंग करवाना, ठीक है, वो भी आपको वी लैन 10 में ऐड करना पड़ेगा. दिस योर ट्रंक पोर्ट. सो दिस इज अबाउट द रिमोट एस पैन. नेक्स्ट वन एक और आता है इसका मॉडल, ERS PAN. इनकैप्चुलेटेड इन टू GRE. ये GRE के केस में यूज करते हैं. कैन बी यूज अक्रॉस लेयर 3 डोमेन. इट इज सिस्को प्रॉपर्टी अवेलेबल ऑन हायर प्लेटफॉर्म ओनली. ओके, एंड यहाँ पे आप कोई पीसी लगा सकते हो जो मॉनिटर कैप्चरिंग करेगा, लाइक स्निफर. और अदर एनी पीसी लाइक दिस वन. ओके, इंटरफेस 0/0, नो शट डाउन. सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटरफेस का जो आईपी है, आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है. और लेट मी चेक द कमांड. कि पैकेट रिसीवर पे चलती है या नहीं.
मॉडल ओके इट्स नॉट शोइंग इन पैकेट रिसर्व ओके सो बेसिकली टास्क क्या होगा हमारा सबसे पहले आपको क्या करना है आईपी कॉन्फ़िगर करने हैं ओके इस स्विच पे आप शो सीडीपी नेबर नेबर डिटेल ओके सीडीपी करके आप देख सकते हो कि कौन सा इंटर मीन्स रिमोट लोकेशन यहाँ पे क्या आईपी आपके पास ये क्या आईपी है 10.0.0.0.2.1 आदर यहाँ पे क्या आपके पास 10 है ठीक है सीडीपी करके आप देख सकते हो कि आपके साथ कौन कौन सी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं और उसके बाद क्या करना है आपको कमांड रन करनी है ओनली फॉर एस पेन के लिए मॉनिटर सेशन ओके क्वेश्चन मार्क करके आप देख सकते हो यहाँ पे आप नंबर डिसाइड करो सेशन नंबर जैसे 10 डिसाइड कर दिया मैंने उसके बाद सोर्स इंटरफेस किसको आपको मॉनिटर करना है जैसे गिग 0/0 आरएक्स आपको वैल्यू मींस इन ट्रैफिक आपको मॉनिटर करना है आउट या फिर बोथ यहां पे मैंने क्या किया बोथ ओके नेक्स्ट कमांड क्या होगी आपकी अब फर्स्ट कमांड में आपने क्या किया है सेशन को मॉनिटर किया अब यहां पे आपको डेस्टिनेशन डिसाइड करना है जैसे कि मॉनिटर सेशन 10 सोर्स की जगह यहां पे डेस्टिनेशन आ जाएगा इंटरफेस अब डेस्टिनेशन इंटरफेस कौन सा आपका यहां पे फास्ट इथरनेट 0/3 ठीक है तो ये बेसिकली ये कमांड आती है आपके पास ओके एस पेन को अचीव करने के लिए एंड रिमोट एस पेन में क्या होगा आपको रिमोट लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि आप क्या कर सकते हो कि उस स्पेसिफिक पीसी का ट्रैफिक उस रिमोट लोकेशन पे आप सेंड कर सकते हो सो दिस इज अबाउट द एस पेन